वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की महिला अगर ये काम करने लगे तो पति की बर्बादी तय है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताऊंगी जो अगर आपकी पत्नी करती है तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये काम महिलाओं को जरूर करने चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को बनाने और बर्बाद करने में नारी का हाथ होता है, और नारी चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकती है और वो चाहे तो आबाद। लेकिन ज्यादातर जगहों पर नारी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और नारी भी उस घर को ही अपना स्वर्ग भी मानती है। वैसे भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और वास्तु के अनुसार नारियाँ घर की ऊर्जा की मूल स्रोत होती है, और अगर वो अपने स्वभाव और कुछ वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करें तो घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि महिलाओं को वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन से वो काम है जो जरूर कर लेने चाहिए, जिन्हें अपनाकर वो अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर एक, घर की स्वच्छता का रखे ख्याल। वैसे तो दोस्तों, सभी अपने घर को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो रोजाना घर की सफाई नहीं करती। ऐसे में ऐसे घरों से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहाँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। रोजाना अपने घर में साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। घर में हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए, और साथ ही घर में सुगंध का भी आपको प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए आप घर में सुगंधित अगरबत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में सुगंधित वातावरण रहता है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जल्द आकर्षित होती है। दोस्तों, नंबर दो, सुबह जल्दी स्नान करें। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वो सुबह साफ सफाई करने के बाद स्नान करती है, ऐसे में वो स्नान करने में लेट भी हो जाती है। दोस्तों, महिलाओं को सुबह स्वच्छ होकर ही रसोई घर में जाना होता है, इसलिए भी उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सुबह जल्दी स्नान करें। इसी के अलावा दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप लेट हो जाएं और आप 8 बजे तक स्नान ना कर पाएं तो दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको जरूर स्नान कर लेना चाहिए, तो ही आपको स्नान का शुभ फल मिलता है। दोस्तों, 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। ये स्नान आपको फल नहीं देता, बल्कि इससे आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव हावी होता है, और ये आपकी और आपके परिवार के बुरी किस्मत का कारण बनता है। तो दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्द आपको स्नान कर लेना चाहिए और 8 बजे से पहले पहले ही आपको जरूर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, नहाने के पानी में अगर आप ये उपाय करें तो बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आपको बस करना ये है कि नहाते समय अपने नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालना है, और इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इससे दोस्तों होगा ये कि आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, वो भी बिना किसी बाधा के। ये छोटा सा काम आप करके देखिए, इससे आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, नंबर तीन, खाना बनाने से पहले नहाना। कहते हैं कि शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी भोजन से मिलती है, और वास्तु भी यही कहता है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार ये अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बनाने से पहले नहा लें, क्योंकि नहाने के बाद जो खाना आप बनाते हैं वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इससे यही खाना आपके लिए ज्यादा पोषक भरा रहेगा। दोस्तों, नंबर चार, खाने से पहले भोग लगाना। कहते हैं कि खाना खाने से पहले भोग जरूर लगाना चाहिए। पहला भोग भगवान को, दूसरा गाय को और तीसरा कुत्ते को कराना चाहिए। इससे घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, इससे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में शांति बनी रहती है। दोस्तों, नंबर पाँच, सूर्य अस्त के बाद गंगा करना। अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि कहीं भी किसी भी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती है, और वैसे भी पार्टी और शादियां या फिर कोई भी कार्यक्रम हमेशा शाम या रात को ही होते हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे ज्यादा अपने बालों पर ध्यान देती हैं, जबकि वास्तु के अनुसार सूर्य अस्त के बाद स्त्रियों का कंघा करना सही नहीं माना जाता।
शाम के समय कंघा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों नंबर 6, चिड़चिड़ापन और बार बार गुस्सा आना। घर में शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है कि घर के हर सदस्य का शांत और खुश रहना अति आवश्यक है। घर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर की लक्ष्मी यानी महिलाओं का शांत और खुश रहना। वैसे भी दोस्तों बार बार गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना घर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। खासकर महिलाओं का बार बार गुस्सा करना घर में अशांति फैलाता है, इसलिए महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा में खुले। घर की खास लक्ष्मी यानी पैसा सभी तिजोरी में रखना पसंद करते हैं, जबकि कई लोग बिना वास्तु की जानकारी के तिजोरी को कहीं पर भी रख देते हैं, लेकिन ये गलत है। दरअसल आप जहां पर भी तिजोरी रखते हैं उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। तिजोरी में कुबेर देवता की तस्वीर रखने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपकी तिजोरी तेज रोशनी के ठीक सामने ना हो। अपनी तिजोरी के सामने एक दर्पण लगाएंगे तो आपको धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों नंबर 8, घर के उत्तर पूर्वी भाग का खास ख्याल रखें। वैसे तो जो परिवार को संभालती है उसके लिए परिवार का सदस्य और अपना घर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है और वो दोनों का ख्याल भी रखती है, लेकिन आपके घर का उत्तर पूर्वी इलाका वास्तु के अनुसार बहुत पवित्र है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और रोशनी से युक्त रखें। इस क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण कतई ना करें। दोस्तों नंबर 9, घर के बीच का हिस्सा। घर के बीच का हिस्सा बहुत ही पवित्र होता है। यहाँ पर आप सिर्फ मंदिर बनवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो इसे सिर्फ साफ और स्वच्छ रखें, और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो घर के बीच के हिस्से में एक ऊंचाई का स्थान बनवाकर वहां पर तुलसी का पौधा लगाइए। ये परिवार की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। पति की सफलता में पत्नी का भाग्य भी जुड़ा है, इसीलिए जो भी शुभ काम पत्नी करती है उसका सीधा फल पति को मिलता है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पत्नी करती है तो पति की परेशानियां दूर होती है, पति की किस्मत से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती है। महिलाओं को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें। आपको ये जप 11 बार करना है और उसके बाद हल्दी के पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, घर के दोष दूर होते हैं और देवी देवता आकर्षित होते हैं। इस उपाय के असर से पति के कार्यों में आ रही सभी बाधाएं जड़ से समाप्त होती है। इसके अलावा रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद देवी लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार मंत्र ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम श्रीम ओम नमः का जप करें। अगर रोजाना संभव ना हो तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो आप ये जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संबंधित सभी परेशानियां दूर कर सकती है। ये उपाय पति पत्नी दोनों एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ये उपाय पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए, लेकिन अगर पति किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो पत्नी तो ये उपाय जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। सुबह जब घर में भोजन बने तो सबसे पहले वाली रोटी अन्य रोटियों से थोड़ी बड़ी बनाइए और इसे अलग निकाल लें। इस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर लें और इन चारों पर कुछ मीठा जैसे खीर गुड़ या शक्कर रख दें। सबसे पहले एक टुकड़ा गाय को खिला दें, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें और तीसरा भाग कौए को खिला दें। अब रोटी का अंतिम टुकड़ा और कुछ अन्न घर पर आए किसी भिक्षुक को दे दें। ये छोटा सा उपाय रोज करने से आपके सुख में वृद्धि होगी और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। अपने पति की किस्मत को चमकाने के लिए घर की महिलाओं को ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।